इसका फ्रेंड्स लोग पेपर लिख रहे और ये बैठ के तो जाके बोलता प्लेयर को पेपर ही नहीं गया। ऐसे टीचर के ऊपर भी कार्रवाई करने का हमारे जो शिक्षण मंत्री है उनको हमने एक निवेदन दिया है। बच्चे रो रहे, एक बच्ची तो चक्कर आके गिर गई। मराठी में उन्होंने संभाषण किया तो उनके ऊपर 50 रुपए का पेनल्टी वो लगा रहे थे। एक बच्ची अपने पापा से झगड़ा कर रही, तुमने पैसा नहीं भरा इसलिए आपको ये नहीं दिया। फीस भरे बगैर तो रिजल्ट नहीं दोगे ना, हमारी भी कुछ मजबूरियां है, हम नहीं भर पाए। हम महाराष्ट्र में स्कूल चला रहे और महाराष्ट्र में हिंदू धर्म के खिलाफ चेहरे पर तिलक लगाया, चेहरे पे अगर टिकली होगी तो वो विद्यार्थी के ऊपर कार्रवाई की जाती थी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के लिटिल फ्लावर स्कूल में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल फीस न भरने की वजह से 335 से भी ज्यादा बच्चों को इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पेरेंट्स स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने लगे और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करने लगी पुलिस, मगर इसी दौरान मामले की जानकारी लगते ही शिंदे गुट के युवा सेना अध्यक्ष पूर्वेश सरनाइक भी वहां पर पहुंच गए और स्कूल के ट्रस्टियों से बातचीत की। पूर्वेश सरनाइक ने कहा कि अगर स्कूल प्रशासन माफ़ी नहीं मांगता है तो शिक्षा मंत्री दीपक केसकर से इसकी शिकायत करेंगे। साथ ही यहां स्कूल में मराठी में बात करने पर और तिलक लगाने पर भी 50 रुपए का फाइन लिया जाता है, ऐसा आरोप लगाया गया। पूर्वेश चरनाइक ने कहा है कि अगर हिंदू धर्म के खिलाफ यहां पर इस तरह की हरकतें की गई तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। इस पूरे मामले को लेकर शिंदे गुट के नेता पूर्वेश चरनाइक और एक पेरेंट्स जिनके बच्चे को इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुना के। आज इस थाने शहर के लिटिल फ्लावर स्कूल में हमारे युवा सेना के जो शिष्टमंडल है, युवा सेना के थाने लोकसभा के अध्यक्ष नितिन लांडगे और मेरे दूसरे लोकसभा अध्यक्ष विराज निकम, इनके कान पर जब ये बात आई तो उनके माध्यम से आज यहाँ पर जो 364 विद्यार्थी है उन सभी विद्यार्थियों को न्याय देने का काम युवा सेना ने किया है। जो टीचर्स ने, जो मैनेजमेंट ने विद्यार्थियों को आज यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए बैठने नहीं दिया, ऐसे टीचर के ऊपर भी कार्रवाई करने का हमने एक निवेदन है राज्य के हमारे जो शिक्षण मंत्री है उनको हमने एक निवेदन दिया है और महानगर पालिका के माध्यम से भी जो शिक्षण विभाग के जो अधिकारी है वो एक अहवाल प्रसिद्ध करेंगे और वो अहवाल हम शिक्षण मंत्री जी के पास पहुंचा देंगे और उसके माध्यम से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो 364 विद्यार्थी है, इन 364 विद्यार्थियों को पूरी तरीके से न्याय देने का काम हमने किया है। आज जो परीक्षा में उनको बैठने को यहाँ पर नहीं मिला, वही परीक्षा उनके लिए आने वाले सोमवार मतलब 22 तारीख को इन सभी 364 विद्यार्थियों के लिए वो परीक्षा कंडक्ट की जाएगी और वो एग्जाम में उनको बैठने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पर आश्वासित किया है। और साथ ही में मैनेजमेंट ने और इस स्कूल के प्रिंसिपल ने हमको लेखी रूप से यहाँ पर अपोलॉजी लेटर भी, जो माफीनामा है वो भी यहाँ पर उन्होंने हमको दे दिया। इस स्कूल में जो कोई चीज़ें हुई है ये हर एक चीज़ के ऊपर पूरा तरीके से हम ध्यान देकर आने वाले समय में ऐसे चीज़ नहीं होंगे इसके लिए हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मतलब इसमें ऐसा है कि हम महाराष्ट्र में स्कूल चला रहे और महाराष्ट्र में हिंदू धर्म के खिलाफ इस स्कूल में कुछ संभाषण किए जा रहे थे, ऐसे हमें समझ में आया कि अगर आपने चेहरे पर तिलक लगाया, आपके हाथों में अगर चेहरे पर, लड़की के चेहरे पर अगर टिकली होगी तो ये बिंदी होगी तो वो विद्यार्थी के ऊपर कार्रवाई की जाती थी। महाराष्ट्र में स्कूल चला रहे और बोलते कि मराठी में बात नहीं करने का, अगर मराठी में उन्होंने संभाषण किया तो उनके ऊपर 50 रुपए का पेनल्टी वो लगा रहे थे, तो ये सभी चीजों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में लिटिल फ्लावर स्कूल के माध्यम से इस सभी विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा, ये आश्वासित मैं करता हूँ। और जाते जाते आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने इन 364 बच्चों का पूरा तरीके से मैंने जिम्मेदारी ली है कि आने वाले समय में अगर उनको यहाँ पर कोई भी प्रकार का इनके मैनेजमेंट के माध्यम से अगर तकलीफ होगी तो पूरा तरीके से हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि एक भी बच्चे को यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। बच्चों को चालू एग्जाम से उठा दिया गया, कितने महीने की फीस बाकी थी और इस तरीके से स्कूल का व्यवहार करना, क्या कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? दिसंबर तक फीस पेड है, ये जनवरी का टर्म फी और जो जनवरी का आने, ये अभी जो 15 दिन है ये पेड नहीं था, तो इसको बोला था जा करके, मैं था इधर खड़ा काउंटर पे, फीस काउंटर 9 बजे खुलता है हमारा, तो बच्चों को बोल के रखा था कि अगर फीस अगर समझो नहीं भी पेड है और टीचर ने अगर पेपर नहीं दिया तो टीचर को ये बोल देना कि पापा मेरा फी काउंटर पे खड़ा है,
मेरा फीस पेड हो जाएगा, आप मेरे को पेपर दे दो, रिक्वेस्ट कर देना। नहीं बोले जब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आता हम नहीं दे सकते। तो पहले ये लोगों क्या किए, लिस्ट इनके पास पहले से थी, इनको सबको खड़ा कर दिया, जो जो बच्चे खड़े तो टीचर ने पास ऑन कर दिया क्वेश्चन पेपर्स। तो बोले ये जो खड़े इनको मत देना, बाकी सब लोग ले लो, और ये लोग को वैसे ही बिठा के रखे। तो ये बाचू का इसका फ्रेंड्स लोग पेपर लिख रहे और ये बैठ के, तो ये हमको मालूम नहीं, मैं वेट कर रहा है बाहर। बोला एक ही घंटे का पेपर है, कहाँ घर पे जाएंगे वापस लेके आएंगे, तो मैं बाहर ही वेट कर रहा है, इधर ही था, वैसे भी 9 बजे काउंटर, मेरे को इधर ही रुकना था, तो मैं यहीं पर खड़ा था। ये आया मुंह लटका के जब स्कूल से, तो मैंने कहा क्या हुआ, पेपर हार गया क्या? तो ये आके बोलता पेपर को पेपर ही नहीं दिया। मैंने तुमने टीचर को बताया ऐसे ऐसा? बोले हाँ बता दिया। मैंने यार ये तो जाती हो गया, तुमने बोला जान दे अपने साथ हो रहा है जान दे। बाद में देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा यही इशू लेके, कुछ बच्चे रो रहे, एक बच्ची तो चक्कर आके गिर गई, एक बच्ची अपने पापा से झगड़ा करी तुमने पैसा नहीं भरा इसलिए हमको ये नहीं दिया। तो बहुत वो इमोशनल फीलिंग था, ये भी रो रहा था, मैंने रो मत गलती मेरी है, तू क्यों रो रहा है, मैंने नहीं फीस नहीं भरा। तो फिर वो बाद में फिर सब एक साथ जमा हो गए और फिर स्कूल के ऊपर वो मैनेजमेंट को सवाल पूछने लगे, फिर तब तक सब मीडिया वीडिया ये सब आ गए। तो अब सरकार के पास क्या मांगे आपके और महानगर पालिका के पास क्या मांगे? पहली बात तो ये हमारी गलती कि हम फीस नहीं भरे, लेकिन उसकी सजा बच्चों को मत दो ना, आप उसको एग्जाम तो लिखने दो, आखिर में साल के आखिर में तुम्हारे पास रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट लिए बगैर तो तुम हमको मतलब फीस भरे बगैर तो रिजल्ट नहीं दोगे ना, तो आपके पास है ना कुछ हमारा सिक्योरिटी कि वो उधर तक तो वेट करो आप, लेकिन आप इतना जल्दी पेशेंस खो दोगे तो फिर कैसे चलेगा? हमको भी हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, हम नहीं भर पाए। आप हमको पूछोगे आप राशन लेते हो महीने का, आप लाइट बिल भरते हो, आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, ये सब कंपेयर मत करो ना, पढ़ाई एक ऊंचा दर्जा है, उसको ये सब चीज़ों से कंपेयर मत करो। ये सब टीचर्स लोग जब ऐसा सवाल करेंगे तो फिर हम कैसा जवाब देंगे? अभी भूखे रह के भी पढ़ाया जा सकता है, तो वो करना चाहिए क्या? कोविड में भी हमने भर दिया है, सब किया है, आज तक तुम्हारा कोई पेंडिंग नहीं, एक महीने का पेंडिंग है तो तुम ऐसा कर दिया, अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं लगा स्कूल का बर्ताव।